गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं रवि कांत कुमार आज आपको मैथ्स की कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो वर्बली हैं बस, लेकिन देखने में आपको बहुत ही कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन पलक झपकते ही आपके पास आंसर आ जाएंगे। यानी देखिए और आंसर लीजिए। जैसे क्वेश्चंस आपके पास देखिए, 2 - 2 + 2 - 2, ये लगातार चल रही है और ये कहते हैं 101 पद का मान क्या होगा। तो आप बेसिक से बनाइएगा तो 101 पद लिखना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ वाला जोड़ को, माइनस वाला माइनस को, कुछ नहीं करना है दोस्त। देखिए कितने नंबर ऐसे हैं जो कि जोड़ने पे मुझे जीरो पहुंच जाए, यानी कि एक नंबर एक नंबर, यानी दो संख्या को जोड़ते हैं तो जीरो बनता है। देखिए यहां भी दो संख्या को जोड़ते हैं तो जीरो बनता है, कुछ नहीं कीजिए, 101 में 2 से भाग दीजिए तो 2 × 5 = 10, 2 = 1। अब देखिए आपके पास भाग लेगा, शेष आपके पास बचा, शेष बचा कितना, 101 में भाग दीजिएगा 2 से, शेष बचे कितना, 1। आप क्या करना है, बहुत सिंपल, 1 यानी शुरू वाला पद, 1 बचा तो 1 पद, अगर 2 बचता 2 पद, लेकिन 1 ही बचा है तो पहला पद क्या है, 2 प्लस में, तो आपके पास जो आंसर होगा सिर्फ क्या होगा दोस्त, 2 होगा। अगर आपको देखना है ऐसे, देखिए इस सवाल का देखिए आप ध्यान से, 5 + 4 - 9 + 5 + 4 - 9, ये कहता है 53 पद का मान ज्ञात करें। क्या करना है, कितने पदों को मिलाकर जीरो होता है, कितने पद को, देखिए 5, 4, 9 - ये प्लस में ये माइनस, यानी 3 पद जोड़ते हैं तो आपके पास 0 हो जाता है। देखिए आगे चल के 5, 4, 9 - 9, 3-3 पद को जोड़ते हैं तो आपके पास होता है। तो आप याद कीजिए 53 में 3 से भाग दीजिए तो 17 + 3 = 51, तो शेष बचेंगे 2, तो यानी 2 बचे तो प्रथम 2 पद जोड़िए, प्रथम 2 पद में कौन है, तो आपके पास पहला वाला 5, दूसरा वाला 4, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आंसर हो जाएंगे 9। तो वही क्वेश्चंस करना है कि कितने पद मिला के जीरो, तो इसका मान आंसर होगा 9 होगा, क्या होगा दोस्त, 9 होगा। आगे देखिए 1, 2, 3, 4 - 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है, ये कह रहा है 98 पद कौन होगा, 98 पद, कुछ नहीं करना दोस्त, 1, 2, 3, 4 रिपीट कर रहा है, 1, 2, 3, 4 रिपीट कर रहा है, तो ऐसे चलेगा 98, तो 4 से भाग दीजिए, कैसे भाग देना, 4 से भाग दीजिएगा तो 24 × 96, शेष बच जाएंगे आपके पास कितना, 2, शेष बच जाएंगे कितना, 2, जब 2 बचे तो 2 पद लिखना है आपको, देखिए शेष 2 बचा तो 1 और 2, तो ये 97 पद है ये, और ये जो पद है जो अगला पद ये 98 पद है, तो आपका आंसर जो होगा 2, शेष वाला नहीं पद वाला, अगर शेष 3 बचता तो हमारा आंसर 3, अगर शेष 4 तो 4 रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करेगा वही आंसर होगा दोस्त, फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 256 × 256 - 144 × 144 / 112, इसका मान कुछ नहीं करना है दोस्त, सिंपल है, इसको a² - b² एक बार प्लस और एक बार माइनस, a + b और a - b, क्या करना है दोस्त, सिंपली एक बार जोड़ एक बार घटाओ, 256 में 144 जोड़ेंगे, 6 और 4 = 10, 5, 4, 9 = 10, 2, 1, 3, 9 = 4, हमने जोड़ दिया, एक बार घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा आपके पास 2 बचेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, यहां बच्चे आ जाएंगे 112 लिखा हुआ है, ये काट देंगे आप इत्मीनान से, आपके पास आंसर पहुंच जाएंगे कितना, 100, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार का नहीं। आप देखिए ध्यान से, अगर आपके पास सवाल ये आया है, a + a = 11, b = 9, तो कह रहा है a² + b² + ab / aq - bq के मान क्या होगा, अरे भैया aq - bq के लिए समझिए, aq - bq का एक फार्मूला होता है a - b (a²) + b² + ab, तो आप क्या करेंगे, इसके बदले ये रखेंगे तो
तो आपके बदले इसके बदले ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सोचिए इससे ही सेटिंग है कट गया, हमारे पास बचा ए माइनस बी, यानी ऊपर में तो एक नीचे, तो ए का मान 11 बी का मान 9, 11 में से 9 गया तो 2, यानी आपके पास विकल्प में आंसर हो जाएंगे 1/2, 1/2। कोई समस्या नहीं दोस्त, आगे देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान 1 है, कहता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ऐसे केस में क्या करना है, ए का मान सोचिए ये 3 मिला के 1, लेकिन स्क्वायर में भैया देखिए अगर प्लस रहता तो हम लोग ए बराबर 1/3 मानते, लेकिन स्क्वायर है तो हम लोग 1/√3 दे देंगे, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मान 1/3, इसका मान 1/3, इसका मान 1/3। आप सोचिए ध्यान से, इसका एलसीएम बच्चे 3, 1, 1, 1, यानी 3/3 कट के आ गया है, यानी ए का मान बी का मान सी सभी का मान माने तो 1/√3 आपका मैक्सिमम मान कह रहा भैया। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, ए का मान 1/√3, ए का बी का मान 1/√3, सी का मान 1/√3। देखिए जितना नंबर यहाँ पे होगा पीछे उतना ही से भाग देना है, अगर 2 नंबर 2 से, 3 नंबर 3 से, 4 नंबर 4 से, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/3/√3 क्यों बच्चे आप समझ चुके होंगे, इन दोनों के बदले 3 लिखेंगे और √3 है, ठीक है। देखिए समझिए, सिर्फ समझिए, इसके माने कह रहा है कि ये इसका मान क्या होगा। बहुत सिंपल भैया, कुछ नहीं, देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट इसके अंदर डेसिमल 3, स्क्वायर होगा तो डेसिमल 6, कितना भैया 6। सोचिए ये एक है, ये स्क्वायर है तो एक अंक पर है तो बाहर हो जाएगा, तो स्क्वायर 2 अंक पे, ये 2 अंक है इसका जाएगा तो बाहर 4, तो 4 अंक यहां डेसिमल, 2 अंक 6 अंक 6, तो डेसिमल डेसिमल समाप्ति, यानी ये समाप्ति हो जाएगा। नहीं समझता आपको, एक लाइन लिख देते हैं आपको हम, देखिए लिखने में मुझे हर्ज नहीं है, लेकिन आपको मैंने ये बताया पलक झपकते करना है, 1.1, 1.1, 0.01 और 0.01। सोचिए 3 अंक 3 अंक 6 अंक, 1 अंक 2 अंक 4 अंक 6 अंक, कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल, 11 कैंसिल, 1 × 1 यानी पूरा ऊपर 1 नीचे 1, यानी इसका मान 1। ऐसे वीडियो आपके पास आ रहे हैं, घबराइए नहीं, बहुत सारे आपको हम सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बनाएंगे जो आपको काम के होंगे, ठीक है। तो ऐसे पहली बार जो हैं तो आप बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद जय भारत।